बिना काम छोड़े आप मैक्सिमम पैसा निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। यूएन पोर्टल से ही आप पैसा निकाल सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने टोटल विड्रॉल में 0 रुपया किया, 1 रुपया भी नहीं निकाला है। यहाँ पे क्लेम वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है, तो यहाँ पे केवल और केवल पीएफ एडवांस का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। इनका जो ये वाला पैसा है ना, ये भी मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका केस में इनका जल्दी हो गया है। यदि आप भी किसी ऐसे कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका पीएफ का पैसा कटता है और अचानक से आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो आपको काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिना काम छोड़े आप मैक्सिमम पैसा निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपको काम करने के दौरान मैक्सिमम कितना पीएफ का पैसा मिल सकता है। सभी के केस में अलग अलग होता है, लेकिन आपको पता करना बहुत ज्यादा आसान है, जो कि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। देखिये, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि दो वेबसाइट पे लॉगिन करना है। एक तो पासबुक वाली वेबसाइट पे, जिस पे कि हम चेक करेंगे कि एम्प्लॉई का कितना पैसा जमा हो रहा है और अभी तक आज के डेट में जब हम पैसा निकालने वाले हैं तो कितना पैसा हो चुका है। दूसरा, आपको पोर्टल यहाँ पे यूएन पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। यूएन पोर्टल से ही आप पैसा निकाल सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों ही पोर्टल पे मैं पहले से लॉगिन कर चुका हूँ, क्योंकि ये जो अकाउंट है ये मेरा नहीं है, मेरे जानने वाले पर्सन का है, जिसका मैंने पहले से ओटीपी ले रखा है और एंटर कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको ओटीपी एंटर करना पड़ेगा, बिना ओटीपी के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये होम पेज पे हैं, और उसके बाद से इनके केस में इनका हम पासबुक चेक करेंगे। हालांकि यहाँ पे इनके केस में देखिए 62,000 रुपए देखने को मिल रहा है, और इन्होंने काफी सारी कंपनियों में काम किया है, सभी कंपनी में 0,000 रुपए देखने को मिल रहा है, और लास्ट में ये छठी वाली कंपनी है, इसमें इनका 62,000 देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या आप 62,000 निकाल सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए जानने के लिए आपको करना क्या है कि पासबुक वाले ऑप्शन पे जाना है, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो करेंट वाली कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि सबसे पहली है जिसमें पैसा देखने को मिल रहा है। तो इनके केस में यही है, 62,000 देखिए, करेंट बैलेंस 62,000 देखने को मिल रहा है। अब देखिए इनके केस में यहाँ पे थोड़ा नीचे की साइड हम आएंगे। अभी देखिए, इन्होंने टोटल विड्रॉल में 0 रुपया किया, 1 रुपया भी नहीं निकाला है। बहुत अच्छी बात है, पैसा नहीं निकालना चाहिए, लेकिन मजबूरी आ जाती है लोगों की, तो वो पैसे निकाल लेते हैं। तो देखिए, अब इनकी भी मजबूरी के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं इनका पैसा कितना निकल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे देखने को मिल रहा है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन में इनके 42,368 रुपए है। तो जो आपका एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पीएफ के पासबुक में 3 टाइप का कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए, मैं आपको पासबुक में ही समझा देता हूँ, थोड़ा नीचे की साइड आ जाएंगे। देखिए, आपको अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा कि एक तो आपका पैसा जमा होता है 12%, जो कि एम्प्लॉई शेयर का होता है। देखिए, एम्प्लॉई का शेयर। अब ये टोटल पैसा जितना भी बन रहा है वो नीचे की साइड देखने को मिल जाता है। उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयर शेयर दो हिस्सों में रहता है, एक तो 3.67% और दूसरा होता है आपका 8.33%, जो कि पेंशन के लिए होता है 8.33%। अगर आप काम कर रहे हैं तो पेंशन का पैसा तो छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। काफी फर्जी वीडियो आपको मिल जाएगी कि आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। तो देखिए, पेंशन का पैसा तभी आप निकाल सकते हैं जब पूरी तरीके से कहीं भी आप काम नहीं कर रहे हैं, जॉब छोड़ दिया है, और 9 साल से कम की सर्विस है, 9.5 साल की, 9.5 साल से ज्यादा की हो जाएगी तो भी आप नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉयर शेयर। देखिए, एम्प्लॉयर शेयर आप निकालने के लिए आपको सर्विस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कब कब आप एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं। आज के समय में अगर आप बात करें किसी के लिए जो कि लागू होता है, वो ये होता है कि अगर आपका एम्प्लॉई शेयर जितना भी है, इसे आप 100% निकाल सकते हैं। देखिए, कैसे आपको निकालना है, इसके लिए जो पारा सेलेक्ट करना है वो इलनेस का सेलेक्ट करना है। इलनेस पारा से आप पैसे निकाल सकते हैं, जो भी आपके खाते में जितना भी पैसा पड़ा है सब के सब आप निकाल सकते हैं। आप अपने ये वेज के आप 6 गुना पैसा निकाल सकते हैं। तो इनका जो ईपीएफ का वेज है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ईपीएस का जो वेज है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके केस में हम पैसा कैसे निकालेंगे,
तो देखिए इनके केस में ये जो देखने को मिल रहा है ना 43,459 रुपए, ये पूरा का पूरा पैसा ये निकाल सकते हैं क्योंकि ये इम्प्लॉई शेयर का है। अब मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, यहाँ पे हम आएंगे मेंबर होम पे और अब हमें पता चल गया है कि इनका कितना पैसा निकल सकता है तो उतना पैसा यहाँ पे एंटर करेंगे। हालांकि अगर आपके केस में अभी भी डाउट है ना तो एक विशेष तरीका मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में आगे चल के, जिससे कि आपका मैक्सिमम पैसा ही निकलेगा, आपका क्लेम रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हम प्रोसेस कर लेते हैं यूएन पोर्टल पे। देखिए आपको पैसा निकालने के लिए करना क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है, यहाँ पे क्लेम वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर गया जाएगा। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल पहले से प्री फिल्ड है। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर एंटर करना है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यूएन के अगेंस्ट लिंक है, यानी कि इस पीएफ खाते से आपने जो बैंक लिंक किया है उस बैंक का पूरा अकाउंट नंबर एंटर करना है और वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे कि इनका जो अकाउंट नंबर है हमने एंटर कर लिया है, उसके बाद वेरीफाई करेंगे, ये वेरीफाई हो रहा है और यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे यस आपको करना है और उसके वजह से वेरीफाई हो चुका है, राइट क्लिक लग चुका है। अब यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है, आपको कहीं एरर देखने को मिलेगा तो घबराना नहीं है, 2-3 बार आपको लगातार ट्राई करना है, आपका काम हो जाएगा। और 3-4 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं होता है तो कम से कम 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन इनका नजर आ रहा है। आपके केस में अगर एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं या तो आप जॉब आपकी चालू है या फिर अगर आपने कंपनी छोड़ दिया है तो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है, डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं रहेगा तो यहाँ पे केवल और केवल पीएफ एडवांस का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, इस ऑप्शन को ही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट सर्विसेस, देखिए ये सर्विस इनको सेलेक्ट करना है किससे पैसा ये निकालना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल में इनके केस में पासबुक वाले में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनका जो लास्ट में 471 है एमआर करके कंपनी है उसमें ही पैसा है, तो हम इसको ही सेलेक्ट करने वाले हैं। सभी कंपनी देखने को मिल गई है तो इनका एमआर करके कौन सी ये वाली कंपनी है, 471 रुपए इनका नंबर है वो हमने सेलेक्ट कर लेना, बाकी हिडन कर दूंगा ना। अब इस कंपनी को हमने सेलेक्ट कर लेना है कि इस कंपनी से पैसा हमें निकालना है। उसके बाद से किस उद्देश्य पर निकालना चाहते हैं, यहाँ पे आपके पास कोई भी रीजन ना हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इलनेस का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन चूंकि अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा निकालना है तो देखिए यहाँ पे आपको और भी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे हायर एजुकेशन का, यहाँ पे परचेज ड्वेलिंग हाउस फ्लैट, तो ये वाले ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इनके केस में इनके ये इस ऑप्शन के लिए एलिजिबल है तो मैं ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, अगर ये इन ऑप्शंस के लिए एलिजिबल नहीं रहते तो मैं यहाँ पे इलनेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता और इलनेस से ये अपना जो भी ये जो इम्प्लॉई शेयर है ना ये पूरा का पूरा पैसा निकाल पाते। लेकिन अभी यहाँ पे जैसा कि इस वीडियो में हमने जाना था कि ये इलनेस का पारा सेलेक्ट करके केवल और केवल ये ही पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये और भी पारा के लिए एलिजिबल है जबकि जो कि अभी भी हमने चेक किया है, जैसे कि ये परचेज ऑफ हाउस के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, परचेज ऑफ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग हाउस, परचेज ऑफ हाउस फ्लैट कंस्ट्रक्शन। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। इससे फायदा इनके लिए क्या होगा कि इनका जो ये वाला पैसा है ना ये भी मिल जाएगा, ये 18,948 रुपए है ना ये भी मिल जाएगा, यानी कि अब इनके केस में जो 62,000 रुपए दिख रहा था ना ये 62,407 रुपए ये पूरा का पूरा पैसा इनको मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल में मैं इधर 62,407 रुपए जो देखने को मिल रहा है ना तो मैं सीधा सीधा 63,000 रुपए एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 63,000 एंटर कर लूंगा और यही एक ट्रिक है जो कि मैं बोल रहा था अभी इस वीडियो में बताने के लिए कि आपको हमेशा ज्यादा पैसा डालना है। अगर आपको मैक्सिमम पैसा सेटल करवाना है ना तो जितना पैसा देखने को मिल रहा है उससे ज्यादा एंटर करना है कि जो भी अगर इंटरेस्ट वगैरह आने वाला है तो वो भी जोड़ के और आपको मिल जाए, या फिर कोई पैसा आया हुआ है ऐड नहीं हुआ है तो वो जब ऐड हो तो वो भी पैसा आपको मिल पाए, तो इसलिए हमेशा ज्यादा डालना है। हमने इनका 63,000 डाला है, चलिए 65 कर देते, 65 कर देते, चलिए 65 कर दिया, ज्यादा कर दिया कम नहीं करना क्योंकि इनको पैसा ज्यादा चाहिए।
अब उसके बाद से देखेंगे, इसके लिए इनका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, ये गारंटी है। कभी भी आज तक क्लेम नहीं रिजेक्ट हुआ है इस कारण, इसके लिए कि आपने ज्यादा पैसा डाल दिया है, और मैंने करीब हजारों लोगों का पैसा निकाला है कुछ इस तरीके का ही। अब जैसे कि यहाँ पे हमने अपना जो बैलेंस है वो एंटर कर लिया है, उसके बाद से यहाँ पे एम्प्लॉई का एड्रेस एंटर करना है। मैंने यहाँ पे IMT मानेसर लिख लिया है, इनका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है लेकिन मैं फिर भी केवल दिखने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे तो IMT मानेसर हरियाणा में आता है, तो हरियाणा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद से यहाँ पे हरियाणा में यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। देखिए गुड़गांव जी लिख दिया, ये गुड़गांव आ गया है। अब उसके बाद से यहाँ पे सिटी हमें एंटर कर लेंगे, तो सिटी में मैं इधर गुड़गांव ही लिखने वाला हूँ। ये गुड़गांव के नहीं है, फिर भी मैं इधर केवल डिटेल आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप भी अपने डिटेल को फिल कर पाए। अब देखिए यहाँ पे 12-20-50 लिख लेता हूँ मैं, जो कि इनका एड्रेस नहीं है लेकिन केवल दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद से इनके केस में अभी फिलहाल में चेकबुक या पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इनको अपलोड करना पड़ेगा। काफी लोगों के केस में अब अपडेट हो चुका है कि अब उनको यहाँ पे चेकबुक या पासबुक अपलोड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी आपके केस में अपलोड करना पड़ रहा है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, चूज फाइल करेंगे। अब जैसे कि मैंने इधर फाइल चूज कर लिया है, और उसके बाद से यहाँ पे आप देख भी सकते हैं व्यू करके, ये फाइल बढ़िया दिखनी चाहिए और उन पर्सन का ही होना चाहिए जिसका पैसा आप निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा, और उसके बाद से नीचे की साइड आएंगे, और उसके बाद से यहाँ पे चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे और गेट आधार OTP पे सेलेक्ट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्लीज वेट लिख रहा है, और यहाँ पे सक्सेसफुली OTP जा चुका है इनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। कभी कभी एरर आ जाता है, OTP जाता ही नहीं है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि इनका एक बार में OTP चला गया है। अब यहाँ पे ये OTP एंटर करना पड़ेगा, देखते हैं कि ये OTP सेंड कर रहे हैं कि नहीं है। इनको मुझे बताना पड़ेगा कि भैया OTP गया है, तो यहाँ पे OTP गया है, इनको मैं मैसेज कर देता हूँ, और ये देखते हैं कि OTP कब सेंड करते हैं। अब OTP अगर ये जल्दी सेंड करते हैं तो इनका मैं अप्लाई कर दूंगा, OTP ये भेज दिए, चलो अच्छा है ये जल्दी भेज दिए। काफी लोग ऐसे हैं जो कि OTP भेजते ही नहीं है, काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो मैं ये प्रोसेस आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इसलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अगर खुद का निकाल रहे तो आपके पास तो मोबाइल नंबर पे आ जाएगा आपके। तो मैंने OTP एंटर कर लिया है, यहाँ पे देख लेता हूँ सही किया है, उसके बाद से वैलिडेट एंड सबमिट क्लेम पे सेलेक्ट कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखिए ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इज सबमिटिंग एट पोर्टल, और ये प्रोसेस में है। अभी हम देखते हैं कोई एरर आता है या फिर सफलतापूर्वक इनका जो क्लेम है ये हो जाता है। हालांकि इससे पहले हमने कई लोगों का ट्राई किया था, तो वेबसाइट पे एरर आ रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका केस में इनका जल्दी हो गया है, OTP वेरीफाई भी हो चुका है, और इनका जो क्लेम है सफलतापूर्वक सबमिट भी हो चुका है। अब आप इसे कभी भी ट्रैक कर सकते हो कि आपका क्लेम रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, पैसा सेटल हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे कभी भी आप होम पेज पे आएंगे, इसे लॉगिन करेंगे, तो आपको जाने का है यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सर्विसेज पे, और देखिए यहाँ पे ये अभी लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज, और यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके क्लेम के साथ क्या हुआ है। भगवान न करे कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो, इनके केस में देखिए इनका कभी रिजेक्ट ही नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लेम सेटल, हर बार इनका क्लेम सेटल ही होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी वीडियोज को पूरा वॉच करते हैं और अच्छे से समझते हैं, और उसके बाद से ही अपना क्लेम करते हैं। कभी कुछ फंस जाते हैं, कहीं समझ नहीं आता है, तो उसके बाद से हमसे भी अपना क्लेम करवा लेते हैं। तो इस बार इनको ज्यादा पैसे की जरूरत थी, तो इसलिए इन्होंने बोला था कि मेरा जो क्लेम है वो आप कर दीजिए, जिससे कि मुझे ज्यादा पैसा मिल पाए। तो देखिए पहले तो यहाँ पे जैसे कि हमने इस वीडियो में शुरू में जाना था कि आपको पासबुक चेक करने की जरूरत है। पासबुक में सबसे पहले तो ये देखना है कि कितना बैलेंस है। अब उसके बाद से आपको ये ट्राई करना है, यहाँ पे ये देखना है आपकी सर्विस अगर 5 साल से कम की है, तो ये मान के चलिए कि केवल और केवल इम्प्लॉई शेयर ही पैसा निकलने वाला है, कोई कुछ भी बोल दे। बाद में अगर 5 साल या उससे ज्यादा है तो आप ये एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं, और इसके लिए एलिजिबल होंगे तो जब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी अभी हमने देखा है, तो वहां पे रेड जोन में कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और कुछ ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने योग्य देखने को मिलेंगे। रेड जोन वाले आप नहीं कर पाओगे, यानी कि एलिजिबल नहीं हो। इनके केस में हमने अप्लाई किया था तो ये एलिजिबल थे मैक्सिमम क्लेम के लिए, तो उसके बाद से इनका जो क्लेम है हमने ये पूरा का पूरा कर दिया है, ये पूरा निकालने के लिए कर दिया है, ये भी ऐड कर दिया है, और ये भी टोटल का टोटल इनका जो पैसा है वो इनके खाते में आ जाएगा।
हालांकि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है कि कौन सा पारा के लिए आप एलिजिबल हो, किस पारा से कितना पैसा मिलता है, कितने टाइम लिमिट होती है, तो इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो कि हम कवर नहीं कर पाए, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।